हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोकली का सूप। और ये ली है मैंने ब्रोकली, एक छोटा फूल मैंने ब्रोकली का लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है। एक आलू को मैंने कच्चा ऐसे धो के साफ करके काट लिया है, आप देख सकते हैं, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरीके से। और ये है ब्रोकली, इसकी थोड़ी सी स्टेम्स भी मैंने ले ली हैं क्योंकि हम सूप में यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक और 2 विसल आने के लिए इसको बंद कर देते हैं। ये हम कुकर में बना रहे हैं तो 2 विसल आने देंगे। हमने कुकर को खोल लिया है और ये देखिए, ये बिल्कुल बॉईल हो गया है। अब हम इसके ठंडा होने की इंतजार करते हैं और मिक्सी में इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, पीसने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया है, ऐसे ये देखिए इस टाइप से पिस गया है। तो हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है और हमने गैस पर एक पैन में छोटा सा क्यूब बटर का डाल दिया है। उसके साथ ही हम डाल देंगे ये सूप जो हमने ग्राइंड करके रखा है। देखिए कितना बढ़िया ये है। और इस आसान तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा नमक हमने पहले डाला है, थोड़ा अब हम डाल देंगे। नमक हम कम ही रखेंगे और इसको 1 या 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये जो ब्रोकली है वो पकी हुई है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च। ये देखिए, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे हम और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसमें ब्रोकली जब बॉईल करते हैं ना तो उसमें से थोड़े पीस निकाल सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, बट आज मैंने ये बिल्कुल प्लेन बनाया है। ये देखिए क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये मैं घर की मलाई इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी, अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल सकते हैं। मैंने मलाई को, घर वाली जो मलाई है उसको फेंट लिया है अच्छे से, और 3 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बट ये इस तरह से थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा और बहुत ही यम्मी ये फटाफट बनने वाला सूप है। ये देखिए, तो आप जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और बिना प्याज और बिना लहसुन के है ये, तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। और मैंने आपको इसको ना पहले कट करना, कैसे कट करना है ये सब सबको आता है, तो मैंने डायरेक्ट आपको दिखाया ताकि वीडियो बहुत छोटी हो और आप आसानी से पूरी वीडियो देखें। तो देखिए हमारा ये यमी सा लगने वाला सूप तैयार है। जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।